पेंशन बहाली हेतु सौंपा ज्ञापन। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा शाखा नरसिंहगढ़ द्वारा प्रांतीय आह्वान पर 1 जनवरी 2005 के बाद केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद किए जाने के विरोध में एवं पुनः समस्त कर्मचारियों को वर्ष 2005 के पूर्व की पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने की मांग करते हुए शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग इत्यादि समस्त विभागों में पदस्थ एनपीएस प्राप्त करने वाले कर्मचारियों द्वारा स्तंभ चौराहा पर एकत्रित होकर अनुविभागीय अधिकारी नरसिंहगढ़ के कार्यालय तक रैली निकाली। एसडीएम अमन वैष्णव को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। उक्त ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों द्वारा मांग की गई कि 1 जनवरी 2005 से बंद मध्य प्रदेश के समस्त पुरानी पेंशन विहीन अधिकारियों व कर्मचारियों को मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अनुसार जस की तस पुरानी पेंशन बहाल की जाए। साथ ही नवीन शैक्षणिक संवर्ग में पेंशन ग्रेजुएटी कमोन्नति व अन्य लाभ के लिए वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति दिनांक से मानी जाए आदि की मांग की गई। इस मौके पर नरसिंहगढ़ तहसील के सभी विभागों के समस्त कर्मचारीगण मौजूद थे। मंडावर से होकम प्रजापति की खास रिपोर्ट। वास्तव में ये हमारे प्रत्येक साथी तक इस तत्व को पहुंचाना और ये समय राजस्थान ने और छत्तीसगढ़ ने पुरानी पेंशन बहाली के आदेश कर दिए तो गरम हथौड़े पे गरम लोहे पे यदि हम हथौड़ा मारेंगे तो 100% हम जैसा चाहेंगे वैसा आकार लेगा। इसलिए मेरा आप सब लोगों से यह बोलना है कि इसे केवल एक ही उद्देश्य था कि बहुत बड़ी संख्या ऐसी है नरसिंहगढ़ ब्लॉक में जो अभी भी हमसे जुड़े नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, वो अभी 50-60 हजार रुपये महीने पा रहे हैं तो खुश है। लेकिन यदि वो कल्पना करेंगे कि पेंशन के बाद क्या दुर्गति होना है तो वो निश्चित रूप से हमारे आगामी आंदोलन में शामिल होंगे। 27 मार्च को हम सब लोग अधिक से अधिक संख्या में राजगढ़ में उपस्थित करवाएं तो मैं मानता हूँ कि जितनी संख्या यहाँ थी इससे 10 गुना संख्या वहाँ पर होगी। और जिले के धरना कार्यक्रम में ही मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश के मुखिया को हिला सकता है। हमारा जिला राजगढ़ जिला अच्छा है। यदि हम सब मिलकर 4-5 हजार संख्या में यदि वहाँ पे अगर धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आगामी 7-8 दिन के अंदर ही हमारे मुख्यमंत्री पुरानी पेंशन से संबंधित घोष निर्णय लेंगे और हमें 1976 पेंशन अधिनियम के यथावत जो नियम अनुसार पुरानी पेंशन थी वही चाहिए। इसी प्रकार का कोई समझौता नहीं चाहिए। इसी आधार पर अपना संघर्ष चल रहा है। आप सब लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद। किंतु हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति दस दस लोगों से बातचीत करके अपनी जिम्मेदारी से वो वहाँ पर उपस्थित करवा हमारी किसी भी व्यक्ति से किसी भी राजनीतिक दल से कोई दुश्मनी नहीं, कोई द्वेषता नहीं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। संवैधानिक अधिकार है कि हम पुरानी पेंशन के हकदार हैं और अपना हक मांगना यह प्रत्येक मानवता के नाते, इंसानियत के नाते प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है और सरकार का दायित्व भी है कि हमारा अधिकार हमको प्रदान करे। हम अपने कर्तव्य का निर्वाह ईमानदारी से करेंगे। इसलिए हमारे कर्तव्य के सरकार को हमारा अधिकार भी प्रदान करे। इसी अपेक्षा के साथ 27 तारीख को